उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का भी अगर विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो जो प्रारंभिक रुझान था वो विपरीत था एक पक्ष तो यह है कि जब तक चुनाव का परिणाम ना आ जाए किसी प्रकार का कोई विश्लेषण उचित नहीं होगा दूसरा तथ्य जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर रुझानों की आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे है मिजोरम में और तेलंगाना में उसका सुपड़ा साफ हो रहा है अगर इस प्रकार का विश्लेषण होगा तो ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया होती है जी। आ, अगर आप इसमें करते हैं और ये पूछते हैं कि विधानसभा के, विधान के चुनाव का परिणामों का लोकसभा के चुनाव परिणामों से क्या संबंध होगा जाहिर सी बात है यही आपका अगला प्रश्न होगा मैं उस बारे में कहना चाहता हूँ चुनाव होते हैं सवाल भी आपके पास है जवाब भी आपके पास बोले बोले सर मेरा कैबिनेट है इसलिए मैं जी बोले सर मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होते हैं प्रदेश की स्थिति से बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं होते हैं इसी प्रकार से जो राज्य के चुनाव होते हैं उनका लोकसभा के चुनावों पे कोई सीधा ना अप्रत्यक्ष कोई भी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में गरीबों के लिए और खासतौर से किसानों के लिए अपनी सारी योजनाओं को बनाया है बजट का पिछहत्तर प्रतिशत जो हिस्सा है उन्होंने कृषि कार्यों के लिए और गरीबों की को की आर्थिक समृद्धि बन सके इसके लिए उन्होंने उसका जिस प्रकार से नियोजन किया है उसका एक अच्छा प्रभाव पूरे देश में पड़ा है जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है दो लोगों के बीच में दो विचारधाराओं के बीच में वो चुनाव होगा और उसमें जो काम किए होगा जो विकास का मुद्दा होगा उसका सीधा प्रभाव लोकसभा के चुनाव में पड़ेगा अभी अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में मिजोरम में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे चल रही है हाँ। छत्तीसगढ़ में कभी आप दूसरे कुछ चैनल्स को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक दो सीटों से कभी बीजेपी आगे हो जाती है छत्तीसगढ़ डिफरेंट है सर किसी छत्तीसगढ़ में 90 सीटों का हमारे पास ट्रेंड मौजूद है इकसठ में कांग्रेस आगे चल रही सिक्सटी नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ और चैनल देखेंगे पलटकर कर जी। तो आपको ये मार्जिन काफी कम दिखाई पड़ेगा और मध्य प्रदेश में मार्जिन आपको काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सवाल है राजस्थान में जो एक समय था जब सभी टैली ओपन होती थी खुलती थी तो भारतीय जनता पार्टी एकदम राकेट की तरह आगे निकलती थी दूसरी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं बचती थी और टैली पर लगातार उसका कब्जा रहता था आज टैली पर बने रहने के लिए बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है नहीं नहीं अभी देखिए शुरुआत के परिणाम है और आप देखेंगे धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं पंद्रह पंद्रह वर्षो से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है निश्चित रूप में कुछ ना कुछ प्रभाव लगातार शासन करते रहने पर कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है जो एक सकारात्मक रुख होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है वो कई राज्यों में देखने को मिलती है अक्सर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार-बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है राजस्थान मैं थोड़ा राजस्थान के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और एक बात राजस्थान पर आपका बड़ा विराट अनुभव है राजस्थान में ऐसी सरकार से वहां की क्या चूक हो गई कि वहां की पब्लिक अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें रिजेक्ट कर रही है बीजेपी को तो राजस्थान में चूक का कारण क्या है? देखिए देखिए राजस्थान में हमेशा की परंपरा अगर आप उठा के देखें तो एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार जो है कांग्रेस के आने का क्रम बना रहता है लेकिन जो केंद्र के चुनाव होते हैं उसमें राजस्थान का मत बिल्कुल स्थिर रहता है इसलिए अगर आप पिछले बार देखें कि गहलोत जी के बारे में काफी चर्चा हो रही थी कि उन्होंने बहुत काम किया या क्या कांग्रेस के बारे में एक प्रचार वो बुरी तरह के और एक और तिरसठ के आसपास सीटें बीजेपी ने जीती थी मैं फिर भी अभी आशान्वित हूं कि राजस्थान की स्थितियां जल्दी से बदलेंगी और ये जो लीड है वो कम होगी एक एक अंतिम सवाल है आप जल्दी में बस एक सवाल और कर लेता हूं आपसे कि जो भी परिणाम आए कांग्रेस जीते बीजेपी जीते जो भी टीआरएस जीते पर ये माना जाए कि दो हजार के लिए देश का मूड यही होगा 2019 में एक ही मूड होगा और वो आपके चैनल पे मैं बोलकर जा रहा हूं वो, और वो मूड केवल और केवल मोदी जी के पक्ष में होगा दूसरा कोई और मूड होगा ही नहीं ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जी। ये ये इस बात का करंट है कि मैंने तमाम जगहों पर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो अभी मैंने सत्रह दिन में पैंतीस चौंतीस पैंतीस जिले के आसपास में गया होगा विभिन्न कार्यक्रमों में और मैं ये कह सकता हूं कि करंट यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है मध्य प्रदेश में एक सकारात्मक दृष्टि और छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी कहीं कहीं देखने में आती थी उसके स्थानीय कारण भी थे और कुछ प्रदेश स्तर पर भी कुछ कारण दिखाई पड़े थे ये एक ऐसा विषय होता है कि चुनाव के बाद जो भी परिणाम आते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उसका विश्लेषण करती है और विश्लेषण के आधार पर वो अपनी अगली रणनीति तय करती है एक बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सशक्त भाव से लोकसभा के चुनाव में विजय को प्राप्त करेगा एक अंतिम सवाल है आपसे अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी एक स्टेटमेंट भी सुना था वो मान रहे हैं कि महागठबंधन यानी समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है और आप खुद पैंतीस चालीस पचास जिलों का दौरा लगभग उत्तर प्रदेश में कर चुके होंगे कार्यकर्ताओं के टच में भी रहते हैं तो आप मुझे बताइए कि बीजेपी के लिए कितना सीरियस थ्रेट है महागठबंधन वो भी सपा बसपा का दो के लिए देखिये देखिये जो गठबंधन गठबंधन होते हैं उनके दोनों तरीके के प्रभाव पड़ते हैं अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति में तो जो सपा एक अपने बल पर सरकार, सरकार बना चुकी है प्रदेश के सभी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में इनके अपना स्थापित नेतृत्व है गठबंधन की स्थिति में वो जो स्थापित नेतृत्व होगा वो बिखरेगा और परस्पर जिसको टिकट मिलेगा दूसरा उसके विरोध में खड़ा होगा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी जिससे गठबंधन जो दिखता है वो स्थिति में नहीं आ पाएगा और अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी अपने बिखराव में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए काम कर रही है और कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा प्रभाव यहां पर दिखाई नहीं पड़ता बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के समान वोटर्स पर अपने कब्जे के लिए ललायत है और परिस्थितियां ये होंगी कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब स्थानीय नेतृत्व की अहमियत के बजाय केंद्रीय नेतृत्व की बात चलेगी और जब केंद्रीय नेतृत्व की बात चलेगी तो आदरणीय राहुल जी और आदरणीय मोदी जी के बीच में लोग तुलना करेंगे और स्वाभाविक प्रक्रिया में स्थानीय दलों की अपेक्षा केंद्रीय दलों के बीच में ये, ये जो ध्रुवीकरण होगा और उसमें कांग्रेस से काफी आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुख होगा सर एक अंतिम सवाल है आपसे और छोटा सा सवाल है शिवपाल यादव को कैस का आकलन आप किस प्रकार से करते हैं किस तरह के नेता है तो तो ने समाजवादी पार्टी के समतुल्य शक्ति और कुछ लोगों ने तो ये भी आकलन किया कि सांगठनिक तौर पर जो समाजवादी पार्टी की रीड माने जाते थे वो आदरणीय शिवपाल जी थे जी. और लोगों ने उनको संगठन कौशल के मामले में अखिलेश जी से ऊपर माना हमें ने नहीं ये आपके मीडिया की रिपोर्टों ने माना इतना प्रेम नहीं नहीं शिवपाल जी के साथ प्रेम और मनमुटाव का प्रश्न नहीं उठता है उनका सारा का सारा जोर शिवपाल जी का भारतीय जनता पार्टी को हराने पर टिका हुआ है शिवपाल जी ने जनाक्रोश रैली समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं करी उनका आक्रोश तो समाजवादी पार्टी के प्रति था जिसने उनका अपमान किया लेकिन शिवपाल जी ने अपनी सारी शक्ति को भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भी उनके मनोभाव थे आक्रोश था उसको निकालने में किया उनके कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने में सरकार की नीतियों में सरकार के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने में वो पूरी रैली का अगर मनोदृश्य देखें तो इसी प्रकार का रहा है तो आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं दो परिवारों के आंतरिक कला को आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ सकते ये उनका अपना अलग विषय है दोनों क्या है कौन आगे है कौन पीछे है ये हमारा विश्लेषण करने नहीं ये जनता के विश्लेषण का का, का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के, पर, के, के बल पर जो सरकार ने काम किए हैं उसके आधार पर चुनाव के मैदान में है हम जीतेंगे तिहत्तर नहीं से ज्यादा सीटें जीतेंगे ये मैं आश्वस्त होकर कह सकता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ आभार प्रकट करता हूँ कि आज बेहद व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला और मैं 12 बजे के बाद जब तक स्पष्ट परिणाम आ जाएंगे दोबारा आपसे संपर्क स्थापित करूंगा ताकि हम देश की राजनीति के मौजूदा दौर पर और मौजूदा स्वरूप पर आपके साथ कुछ चर्चा कर सके बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत धन्यवाद हुकूमत दो में अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के